बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पेशावरी मटन नमकीन गोश्त बनाने लगे हैं, तो आएँ आप भी मेरे साथ मिलके बनाते हैं। एक पैन ले लेंगे, 4 से 5 चम्मच ओलिव ऑयल डालेंगे, फिर साबुत गरम मसाला ऐड करेंगे, ज़रा सोते हो जाएगा तो 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। कुछ साबुत भी 4 से 5 लहसुन के जोए डाल दीजिएगा, इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। इसे हम अच्छे से भून लेंगे। हम मटन का बना रहे हैं और तकरीबन 1 किलो मटन है, हड्डी वाला। इसे हम पैन में डाल देंगे। मैं इसे कुकर में नहीं बना रही, काफ़ी लोग कुकर में बनाते हैं तो ये 10 मिनट में तैयार हो जाता है। मैं इसे स्लो एंड स्टडी बनाऊंगी, इससे इसका जायका भी बहुत अच्छा आएगा। इसे तकरीबन 1 और आधा घंटा लगेगा बनने में। हम इसे अच्छे से भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे हसबे जायका, और 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डलते, लेकिन जायका इसका सबसे ज़बरदस्त होता है। 2 अदद प्याज काट के, बारीक काट के वो इसमें ऐड कर देंगे। ऑप्शनल हैं, चाहें तो ना ऐड करें, लेकिन इससे इसका जो मसाला होता है वो ज़बरदस्त बनता है। अब इसमें 2 गिलास पानी ऐड करूँगी, बड़े साइज़ के जो ग्लास होते हैं वो। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आंच इसकी धीमी करके इसे हम तकरीबन 45 मिनट तक बिल्कुल भूल जाएंगे। ये धीमे धीमे बनेगा और इसका जायका देखिएगा कुकर से 100% बेहतर होगा। जब तक ये बनता है आप बाकी सारे घर के काम निपटा लें। तकरीबन आधे घंटे बाद ये देखें, ज़बरदस्त यखनी निकल आई है, लेकिन हमने इसे फिर और आधा घंटा रखना है, उसके बाद चेक करेंगे। या आधे घंटे बाद हम ये चेक करेंगे कि गोश्त गला है कि नहीं। ये देखें, गोश्त हमारा 90% गल गया है। अब इसमें मैंने 1 अदद टमाटर बड़े साइज़ का, अगर बड़ा नहीं है तो छोटे साइज़ के 2 काट के डाल दीजिए इसमें, मोटे मोटे पीसेस, बारीक मत काटिएगा। अब वो अच्छे से मिक्स कर लें और आंच थोड़ी तेज़ कर दें और इसे ढक के 15 मिनट तक रख दें। 15 मिनट बाद देखें पानी कितना खुश्क हो गया। अब हमने आंच तेज़ कर लेनी है, हमने इसकी भुनाई करनी है। हमारा जो गोश है वो बहुत अच्छे से गल चुका है, अब सिर्फ हमने भुनाई करनी है इसकी। ये देखें पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ऑयल अलग हो रहा है। अब इसमें हमने 1 मक्खन का क्यूब डालना है, ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा हो जाता है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम धनिया काटा हुआ था तकरीबन आधा बाउल, वो ऐड करेंगे। अदरक के लंबे लंबे छल्ले काटे हुए थे वो ऐड करेंगे। अब इसमें हरी मिर्चें भी ऐड करेंगे। हरी मिर्चें बहुत तेज़ हैं इसलिए मैं काट के नहीं डाल रही, लेकिन आप काट के डाल सकते हैं। अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये देखें गोश्त कैसे गल चुका है, गर्म है, लेकिन दिखाना तो है ना, तो ये देखें ये गल चुका है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इसे नान के साथ खाएं और हरी चटनी के साथ, आपको भी मज़ा आएगा और आपके मेहमानों को तो बहुत ही मज़ा आएगा, हर वीकेंड को पहुँचे होंगे। चलें जी, हमें तो भूख लगी है, हम तो खाने चले हैं, आएँ आप भी हमारे साथ, बिस्मिल्लाह करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।